तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो नया वेरिएंट आया है थंडर, उसके बारे में। तो थंडर में आपको कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक आउट है, यहाँ पे ग्रिल में आपको ब्लैक ग्रिल देखने को मिलेगी, पियानो ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे बम्पर भी रिवाइज्ड है, यहाँ पे आपको अलग तरीके की ट्रीटमेंट, डुअल टोन ट्रीटमेंट फ्रंट बम्पर में भी देखने को मिल रही है, वो भी पियानो ब्लैक में है। हेडलाइट्स भी स्मोक्ड आउट है, ब्लैक हैं। अंदर का जो उनका फिलामेंट है वो सारा ब्लैक कर दिया गया है, और फॉग लाइट्स के साइड में भी ब्लैक क्लैडिंग दी हुई है। इसमें आपको ब्लैक एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि 17 इंचेस के हैं। जी, ये 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। साइड में आपको इको स्पोर्ट की बैजिंग मिलती है, जो प्लेट्स लगी रहती हैं साइड में, और ऊपर आपको स्टिकर भी देखने को मिलेगा, जैसा फ्री स्टाइल में मिलता है। तो आप लोग साइड से देख सकते हैं, इसमें आपको आरवीएम्स भी ब्लैक कलर के मिलते हैं। ब्लैक का पूरा ही एक प्लेट टाइप की पीछे तक आती है। यहाँ पे ये टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है, नहीं, टाइटेनियम वेरिएंट है थंडर में, जो कि थंडर की बैजिंग यहाँ आप लोग को देखने को मिल जाएगी। इको स्पोर्ट ऊपर लिखा रहेगा एंड फूड की बैजिंग साथ में, और आपको जो स्पेयर व्हील है वो भी अलॉय मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको रियर वाइपर डिफॉगर का ऑप्शन दिया गया है। ऊपर आपकी रूफ़ भी ब्लैकआउट है, और रूफ रेल्स भी ब्लैकआउट कर दी गई हैं इस वाले वेरियंट में। एंड यहाँ पे साइड में वापस से वैसे ही स्टिकर्स लगे हुए हैं, ओ आर वी एम ब्लैक्ड आउट है। मैं चाह रहा था कि डोर हैंडल्स भी ब्लैक्ड आउट हो जाते तो वो भी अच्छे लगते पियानो ब्लैक में, बट ये भी अच्छे लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये कार मुझे नारायण फोर्ड से मिली है, तो थैंक यू टू डैम ऑल्सो इन वीडियो में। तो अब मैं आ चुका हूँ इस कार के फ्रंट रो में। तो फ्रंट रो में अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ऐसे ही कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें भी हैं अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक आउट इंटीरियर है जैसे रेगुलर इको स्पोर्ट में, बट इसमें आपको ब्राउनिश इंसर्ट देखने को मिलेंगे। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्लाई ऑडियो का देखने को मिलेगा। इसमें आपको रेडियो, नेविगेशन और फ़ोन, ब्लूटूथ, ये सारे के फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको टाइटेनियम में नहीं मिलेगा, टाइटेनियम प्लस में मिलेगा। इसमें ऑटोमेटिक एसी आप लोग को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दो यूएसबी पोर्ट्स हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे फ़ोन आप रख सकते हैं अपना, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अगर सेंटर कंसोल में देखें तो यहाँ पे दो कप होल्डर्स हैं, एक छोटा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, एक हैंड ब्रेक लीवर के नीचे भी एक स्पेस दिया हुआ है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। एंड जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी, इसके लेदर सीट कवर्स, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं टैन और ब्लैक कलर में, जो लुक कार को काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए, टैन इंसर्ट नहीं है, चॉकलेट टाइप का इंसर्ट है, ब्राउनिश इंसर्ट है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये सॉफ्ट टच है साइड में, रेगुलर इको स्पोर्ट में सॉफ्ट टच नहीं दिया गया है टाइटेनियम वाले में। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है, और मैं अभी इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, इंजन की नॉइस उतनी अंदर आती नहीं है, आइडियल पोजिशन पर। स्टेयरिंग व्हील एज इट इज़ है, जैसे रेगुलर इको स्पोर्ट में आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेदर स्टिच स्टेयरिंग व्हील आपको इसमें मिलेगा, लेदर जो है वो रेगुलर इको स्पोर्ट वाला ही है, लेकिन इसमें आपको ब्राउन जो टैन इंसर्ट्स हैं वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आप लोग को एमआईडी के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, जो कि रेगुलर इको स्पोर्ट वाला ही है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एमटी, और जो आपका रियल टाइम माइलेज है वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ट्रिप ए ट्रिप भी, और सारे जो इन्फॉर्मेशन है कार से रिलेटेड, सारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा सेम ही है इसमें। तो अब मैं चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ ग्लव बॉक्स। तो मैं इसमें साउंड प्ले कर देता हूँ, जो भी है इसकी आपको म्यूजिक क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा, जिससे कि तो जैसे कि आप लोगों ने सुना है, अगर कैमरे ने जस्टिस की होगी तो आप लोग को, तो अगर कैमरा ने जस्टिस की होगी तो आप लोग को
साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, बेस भी अच्छा है, और आपको इसमें दो ट्वीटर्स और फोर स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड इसमें अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में रीडिंग लाइट्स मिलते हैं और यहाँ पे डोर वाली लाइट्स भी हैं, यहाँ पे आप बटन से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिसीवर देखने को मिलता है। ये सनरूफ आपको इसमें दी गई है, तो सनरूफ का स्विच है, तो यहाँ पे सनशेड अगर मैं खोल दूँ तो यहाँ पे वैसे सनरूफ इतना यूज़फुल फीचर है नहीं यूपी में, बट अभी बाहर 37 डिग्रीज टेम्परेचर है तो इसको मैं खोल के वैसे भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये वन टच खुल भी जाती है, तो सनरूफ का काफ़ी अच्छी है और ये अच्छा टच दिया है कार में जो कि कार के बायर्स को इसकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करेगा। एंड इसमें आपको दोनों तरीके से मिलता है, आप थोड़ा थोड़ा प्रेस करके भी और आप फुल्ली पूरा ऑटोमेटिकली बंद कर सकते हैं, फिर यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए थोड़ी सी सनरूफ खुल भी जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा टच दिया गया है कार में। एंड यहाँ पे आप लोग तो देख सकते हैं ड्राइवर साइड कोई भी आपको वैनिटी मिरर और लाइट नहीं देखने को मिलती है, पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है। एंड यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड में आपको लाइट और वैनिटी मिरर दोनों देखने को मिलता है, बट ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं है, वैनिटी मिरर भी नहीं, टिकट होल्डर भी नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा अजीब लगा मुझको। तो अब मैं आप लोग को इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या बोलूँ, तो अब मैं आप लोग को इसकी रेयर सीट पे लेके चल चलता हूँ। तो रेयर सीट पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको अपनी ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग मैं सीट एडजस्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रेयर सीट पे भी आप लोग को बैठ के दिखाऊँ तो यहाँ पे रेयर सीट पे मुझे स्पेस एडिक्वेट में देखने को मिल जाता है, लेग रूम भी ठीक ठाक है, मेरी हाइट 5'8" के आसपास है तो लेग रूम ओके है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और एक्सपेक्ट किया जा सकता था इस कार में, लेकिन ये तो रेगुलर इकोस्पोर्ट जितना स्पेस है, स्पेस में कोई चेंज नहीं है, डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं है इस कार में। और अगर मैं आप लोग को पोस्चर दिखाने की कोशिश करूँ तो ऐसा पोस्चर देखने को मिलता है मुझको, और हेडरूम देख सकते हैं आप लोग, मेरा टच नहीं हो रहा है सर, और 6 फीट का भी अगर कोई होगा तो उसका भी सर नहीं टच करना चाहिए इस पर, ब्रश कर सकता है लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और ये सीट कवर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेदर के हैं तो आपको इसमें बार में लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, इसमें दो का फोल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ भी आपको टैन कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है, यहाँ ब्राउनिश कलर का ट्रीटमेंट है, नीचे आपको बॉटल होल्डर दिए गए हैं 1 लीटर के, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ओपन करके, यहाँ 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ पाएगा। एंड अगर यहाँ पे मैं 3 एडल्ट्स की बैठने की बात करता हूँ तो 3 एडल्ट्स बहुत इजीली तो नहीं बैठ सकते हैं, हाँ 2 एडल्ट्स एक छोटा बच्चा बैठ सकता है बीच में, लेकिन 3 एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलती है पीछे जो कि एक अच्छा टच है ऑल्सो। तो अब ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। एंड और भी कोई फोर्ड की कार के नए वेरिएंट पे आपको सिग्नेचर वेरिएंट भी चाहिए होगा तो मैं ये आप लोग को दिखा दूंगा। तो चलिए मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ, चलिए गुड बाय।